हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर राधिका आप सभी का इस चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे कुछ होम्योपैथिक मेडिसिंस की जो प्री मेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स या जल्दी बाल सफ़ेद हो जाने के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिंस हैं। स्पेशली आजकल ये आम बात हो गई है यंग जनरेशन के लिए, तो ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगा हमारे यूथ्स के लिए। तो ज़रूर इसे लाइक सब्सक्राइब या शेयर करें और ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। मेडिसिन सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे थायरॉयडिन से। थायरॉयडिन को हमें एक महीना 30 पोटेंसी में लेना है, दिन में 3 बार, और उसके बाद उसको उसकी पोटेंसी को बढ़ा देंगे हम 200 पोटेंसी में, हफ्ते में 1 बार लेंगे 1 महीने तक। ये मेडिसिन लेने के बाद हम साथ में एसिड फॉस भी ले सकते हैं, जो ग्रीफ की वजह से, मेंटल स्ट्रेन की वजह से, लॉस ऑफ डियर एंड डियर वंस की वजह से उसके ग्रेइंग ऑफ हेयर्स हो जाते हैं, तो हम एसिड फॉस दे सकते हैं। फिर लाइकोपोडियम, बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटीज होते हैं, एक्सेसिव स्ट्रेन लेते हैं, तो उसके लिए हम लाइकोपोडियम दे सकते हैं। देन विस्बेडम बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है सफ़ेद बालों के लिए, बाल झड़ने के लिए। तो ये तीनों मेडिसिन को हमें ऑल्टरनेट करना है, हफ्ते में 1 बार एक मेडिसिन ली है, अगले हफ्ते दूसरी मेडिसिन, उसके अगले हफ्ते तीसरी मेडिसिन, ऐसा हम 3 महीने तक करेंगे। अगर ये मेडिसिन काम नहीं करती हैं तो पाइलोकार्पिनम 1 mg की पोटेंसी में हमें 1 महीने तक लेनी है। और अगर एग्जॉस्टिंग डिजीज़ के बाद अगर हमें हमारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं तो नेट्रोमियोर 200 और फॉस्फोरस 200 को हम ऑल्टरनेट करके लेंगे हर हफ्ते। ये थी कुछ मेडिसिन सफ़ेद बालों के लिए। अगर आपको कुछ भी डाउट्स हैं तो आप हमें ज़रूर कॉल करें या व्हाट्सएप करें और हमें कंसल्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो नए वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। ज़रूर इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें।